Jam lamingtons, an Australian favorite. These are such light sponges that you will enjoy them even more. It originated when a helper at Lord Lamington, the governor of Queensland, dropped some sponge and melted chocolate by mistake. He then suggested that she cover it with coconut and serve. Or aise originate hue Lord Lamington ke naam pe rakhe hue ye desserts lamingtons. To chale fir Australia ki taraf inhe try karne ke liye. सबसे पहले आपने लेना है हाफ कप प्लस 2 टेबल स्पून्स या फिर 100 ग्राम प्लेन फ्लावर. उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और मिक्स कर लेंगे इन्हें. साइड पे रख लेंगे. फिर एक दूसरे बोल में क्रैक करेंगे 2 एग्स, हाफ कप शुगर, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और हाई स्पीड पे बीट कर लेंगे ताकि ये पेल और फ्लफी हो जाए. फिर इसमें डालेंगे 1/4 कप मेल्टेड बटर जैसे ही फ्लफी हो जाए और थोड़े थोड़े पोर्शंस में ड्राई इंग्रेडिएंट्स सिफ्ट करके फोल्ड कर लेंगे. सिफ्ट करने से एयर आती है और ये स्पंज लाइट रहेगा. जब सब मिक्स हो जाए इसे बटर पेपर पर डालेंगे और स्प्रेड आउट कर लेंगे. अब प्री हीटेड ओवन में बेक कर लेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए जब तक ये कुक हो जाए अच्छे से. इसे निकालेंगे और इन्वर्ट करके ठंडा होने के लिए रख देंगे. जैसे ही ठंडा हो जाए एजेस को ट्रिम कर लेंगे और स्क्वायर्स में कट कर लेंगे. फिर इसमें डालेंगे जैम. मैंने भूरा का प्लम जैम यूज किया है यहाँ और इवनली स्प्रेड आउट कर लेंगे. स्पंज के पीसेस को कुछ ऐसे सैंडविच बना लेंगे. अब डिपिंग सॉस रेडी कर लेते हैं. उसके लिए आपने लेना है 100 ग्राम डार्क चॉकलेट और इन्हें चॉप कर लेंगे क्यूब्स में और बोल में डाल लेंगे. उसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून बटर और इन सबको मेल्ट करके एक स्मूथ सॉस बना लेंगे. अब आपने पीसेस लेने हैं स्पंज सैंडविच के और उन्हें ये चॉकलेट सॉस में डिप करके कोट कर लेंगे. इंश्योर दैट एनी एक्स्ट्रा सॉस जस्ट ड्रिप्स अवे एज वेल, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा सॉस आएगा तो फिर पूरे लम्प्स बन जाएंगे. और फिर इन्हें कोट कर लेंगे ड्राई कोकोनट. देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं. बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे. और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा.